देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केरल के सबरीमाला मंदिर मामले में हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने को उनका संवैधानिक अधिकार बताया है। जजों का कहना है कि ये कानून पर निर्भर नहीं करता, ये संवैधानिक अधिकार है। आपको बता दें कि द इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में पिछले 800 सालों से महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने केरल सरकार, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और मंदिर के मुख्य पुजारी सहित डीएम को 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की थी, जिसे लेकर केरल सरकार ने 7 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि वो मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव रोकने, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने जैसे सवालों समेत 4 मुद्दों पर पूरे मामले की सुनवाई की। ये सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ के हवाले कर दी गई थी, जिसके चलते इस मामले में सुनवाई की गई, जिसमें संविधान पीठ ने कहा कि अगर पुरुष सबरीमाला मंदिर में अंदर जा सकते हैं तो महिलाएं भी वहां जा सकती हैं। आपको बता दें कि संविधान की पीठ 10 से 50 साल उम्र की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले को लेकर शीर्ष अदालत का कहना है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बारे में कोई कानून नहीं होने के बावजूद इस मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है, ये कानून पर निर्भर नहीं है, ये तो संवैधानिक अधिकार है। गौरतलब है कि इस केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। साथ ही इस मंदिर के द्वार को उनके भक्तों के लिए पूरे साल में केवल नवंबर से जनवरी तक खोला जाता है, बाकी पूरे साल ये मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।